जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फीस उस वक्त कम होती है और वही फीस होती है जो यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फी है, फी बढ़ती नहीं है, बट बाद में जाकर फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर भी आपका एडमिशन 75,000 रुपए से लेकर 1,00,000 के बीच पर ईयर की फीस में हो जाएगा अगर आप इस प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया। दोस्तों हालांकि अपने देश में ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं, मतलब मेडिकल फील्ड से वो लिंक करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, पैरामेडिकल फील्ड से भी मिलेंगे, इवन आपको अलग अलग मतलब कोर्सेज आपके पास होते हैं, बट बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड शुरू से ही बहुत ज्यादा रही है और ये कोर्स यहाँ तक की प्रीमियम फीस पर भी एडमिशन होते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद में आपको जॉब तो मिलती ही है और साथ ही आप अपने करियर में काफी अच्छे मुकाम पा पाते हो, साथ में ही अपना नाम कमा पाते हो और जिनके भी दिल में ऐसी फीलिंग्स हैं कि वो चाहते हैं लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, वो बीएससी नर्सिंग कोर्स को करते भी है। इसको करने के लिए काफी सारी ऐसे संस्थान है, काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत ज्यादा फी चार्ज करती हैं, क्योंकि कोई भी कोर्स करने से पहले आपको अपनी जेब को देखना होता है कि आपकी जेब कितना अलाउ करती है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। फीस बीएससी नर्सिंग की बहुत सारे संस्थानों में कम भी है, बट वहां पर वो रिसोर्सेज नहीं, वहां पर वो एक्सपोजर नहीं मिलता। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग की फीस कितनी होती है, कितनी फीस में आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं, कौन से अच्छे संस्थान हैं और कौन से संस्थानों से फीस बहुत ज्यादा आपको पे करनी पड़ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप फी बहुत ज्यादा पे कर दें उसके बावजूद आपको एक्सपोजर ना मिले, प्रैक्टिकल आपको सीखने को ना मिले। ज्यादा कुछ जानने के लिए बीएससी नर्सिंग की फीस के बारे में और सावधानियां के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों बीएससी नर्सिंग कोर्स करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि सावधानियों पर तो मैंने वीडियो बनाई है कई बार, क्या क्या सावधानियां आपको, प्रिकॉशंस क्या क्या आपको लेने हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, बट बीएससी नर्सिंग कोर्स करने से पहले आप ये जान लीजिए कि फीस की अगर हम बात करें तो जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, अभी जितने भी बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे फीस ज्यादा चार्ज करती हैं। फीस कितनी होती है इनकी? इनकी फीस शुरुआत ही होती है 75,000 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए तक पर ईयर की फीस हो सकती है। वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, किस तरह की वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं, यूनिवर्सिटी के पास पहले से ही हॉस्पिटल चल रहे हैं या नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास एमबीबीएस जैसे कोर्सेज हैं, एमबीबीएस एमडी करवाते हैं, वो बीडीएस में एडमिशन लेते हैं, बीएएमएस करवाते हैं, बीयूएमएस करवाते हैं, बीएचएमएस कोर्सेज करवाते हैं, तो हॉस्पिटल उनके पास ऑलरेडी है, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी है और वहां पर मरीज बहुत सारे आते हैं। वहां आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर्स जो मिलते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के बाद या करने से पहले, जो ड्यूरिंग जो आपका कोर्स का टाइम होता है, उस वक्त जो आपको एक्सपोजर मिलता है दोस्तों, वो बहुत बहुत काम का होता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आप जितनी मर्जी किताबों को पढ़ लें, कितना भी आप थ्योरेटिकल आप ज्ञान ले लें, जब तक प्रैक्टिकली आपको नॉलेज नहीं है तब तक मेरा मानना है उस फील्ड में आप अपना नाम नहीं बना पाओगे और जिस मुकाम तक आपको जाना है वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन जिसमें आप ले रहे हैं उसकी फीस देखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस इतनी हो सकती है 75,000 से लेकर 2,50,000 के बीच में। पर मैं आपको बताऊं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, जब एडमिशन का क्लोजिंग का टाइम आता है तो वो प्रीमियम लेना भी शुरू कर देते हैं जो सीट्स बचती हैं। तो आपको करना क्या है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जो प्राइवेट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आप चाहते हो एडमिशन लेना और इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जैसे ही आपका रिजल्ट आए तभी जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फीस उस वक्त कम होती है और वही फीस होती है जो यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फी है, फी बढ़ती नहीं है, बट बाद में जाकर फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर भी आपका एडमिशन 75,000 रुपए से लेकर 1,00,000 के बीच पर ईयर की फीस में हो जाएगा अगर आप इस प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब दूसरा आता है प्राइवेट कॉलेजेस। दोस्तों यूनिवर्सिटीज के अंदर ही हालांकि कॉलेजेस होते हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस बने हुए हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं बट किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है वो लोग। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि इनकी जो फीस होती है वो 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में तो होती है, बट ऐसे कई सारे कॉलेजेस मिलेंगे जिनकी फीस काफी हाई है,
उन लोगों की फीस 1 लाख से तो शुरू ही होती है। तो मेरा मानना है कि आप अगर यही चीज देखने के लिए आप जा रहे हो कि वहां पर एक्सपोजर कैसा है, कैसा वो कॉलेज है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है या नहीं, तो उससे बेहतर तो प्राइवेट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आप वहां से कोर्स कर लें, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं और वो यूनिवर्सिटीज हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का नाम लगा होता है साथ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम की भी एक पहचान अलग से होती है, तो इन कॉलेजेस का एक अलग आप एडवांटेज ले सकते हो। और डिसएडवांटेज बस इतना सा ही है कि इनके पास उस लेवल का एक्सपोजर नहीं मिलेगा जिस लेवल का एक्सपोजर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको आसानी से दे देती है, क्योंकि उनके पास जो मरीजों की संख्या है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल चलते हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी से, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कॉलेजेस होते हैं, उनकी फीस आपको 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में देखने को मिलेगी, आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको एक ही बात बोलता हूँ कि सबसे पहले चयन आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का करना है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले। तो उसमें फीस आपकी 10,000 से लेकर 75,000 के बीच में हो सकती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाके आप एंट्रेंस देते हो, एंट्रेंस बेस पर ही आपका चयन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, इंटरव्यू भी हो सकता है कुछ जगहों पर, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। अगर आप इतना टफ कंपटीशन नहीं ले सकते हो तो बेटर है कि कॉलेजेस का रुख करें या फिर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख करें। पर मैं वही आपको बोलना चाहूंगा, जैसे ही रिजल्ट आ जाए तभी रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना आपको फी काफी हाई पे करनी पड़ेगी, जबकि फीस आसानी से 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती हैं। फीसें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा लेट कॉलेजेस तक पहुंचते हो, बहुत लेट यूनिवर्सिटीज का आप चयन करते हो, पहले आप भटकते रहते हो, ढूंढते हो हम कहां एडमिशन लें, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, हमने पहले वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको पता चलेगा क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को छोड़ें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। और साथ में पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार हमारी इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल आप ना जाएं, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। और साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी हम नई वीडियोस बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।